हेलो एवरीवन माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम टू फायर बेस्ट एप सीरीज़ और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज क्लाउड फायर स्टोर क्लाउड फायर स्टोर क्या है और कैसे हम उसमें अपना डेटा रख सकते हैं और कैसे हम क्वेरी करके अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं ये वीडियो बहुत बेसिक वीडियो होने वाला है ऑन फायर स्टोर इसमें बस हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने डेटा को रख सकते हैं और कैसे हम अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर मेजर प्रोजेक्ट जो हम इस वीडियो सीरीज के एंड में बनाने वाले हैं इस वीडियो सीरीज के एंड में जैसे हम एक बुक स्टोर आप बनाने वाले हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है क्या बनाने वाले हैं राइट एंड उसमें हम एक्सटेंसिवली फायर स्टोर को यूज़ करने वाले हैं सो फॉर दैट यू शुड एटलीस्ट नो कि हम एक फायर स्टोर में डेटा रख कैसे सकते हैं हाउ वी रिट्रीव इट एंड आपको पता होना चाहिए कि फायर स्टोर कैसे अपने डेटा को रखता है लाइक वॉट आर कलेक्शन एंड वॉट आर डॉक्यूमेंट्स सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो तो देखते हैं क्लाउड फायर स्टोर क्या होता है राइट पिछली वीडियो में हमने देखा था रियल टाइम डेटा के बारे में और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाउड फायर स्टोर क्या होता है तो ये बहुत ही पावरफुल डेटाबेस है जो हमें फायरबेस की तरफ से प्रोवाइड होता है और इस डेटा को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा ओके बेस, ऐसा क्यों बोलते हैं बिकॉज ये अपने डेटा को डॉक्यूमेंट्स में रखता है ठीक है जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं जैसे हमारे पास सीक्वल डेटा होता है जो अपने डेटा को टेबल्स में रखता है हमारे पास नो सीक्वल डेटा होता है जिसमें हमारे पास कोई रिलेशन नहीं होते सो सिमिलरली जो क्लाउड फायर स्टोर है ये एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा है ओके ये अपना डेटा ये अपना डेटा किस तरह से रखता है सबसे पहले हमें एक कलेक्शन बनाते हैं इसमें लेट्स से हमारे पास एक कलेक्शन हो सकता है यूजर्स हमारे पास एक कलेक्शन हो सकता है सिटीज़ हर कलेक्शन के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं वी मेक मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स सो एग्जांपल अगर मेरे पास एक यूजर्स का कलेक्शन है सो so मैं उसमें एक डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ फॉर पीयूष आई कैन मेक वन डॉक्यूमेंट फॉर सम लाइक जॉन सो ऐसे हम हर एक एंटिटी का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं राइट right? एंड इसकी सबसे बड़ी सबसे खास बात क्या है दैट एक कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और उस हर डॉक्यूमेंट में दोबारा से एक कलेक्शन हो सकता है जिसके अंदर फिर तुम एक डॉक्यूमेंट रख सकते हो सो दिस इज़ लाइक अ रिकर्शन ठीक है तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता सो so, पहले लेवल पर हमारे पास क्या होता है कलेक्शन कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ डेटा देन उसके अंदर फिर एक कलेक्शन हो सकता है एंड उस कलेक्शन के अंदर अगेन डॉक्यूमेंट तो देखते हैं कैसे हम क्लाउड फायर स्टोर को यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूँ क्लाउड फायर स्टोर का सो इफ़ यू गो टू योर प्रोजेक्ट ओवर व्यू राइट एंड बिल्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है फायर स्टोर डेटा बेस राइट फायर स्टोर डेटा बेस सो फायर स्टोर डेटाबेस को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस बटन पर क्लिक करना होगा क्रिएट डेटा बेस ओके अब यहाँ पर सेम थिंग है हमारे पास ये हमें क्या बोल रहा है स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड स्टार्ट इन टेस्ट मोड अगर आप प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट uh, करेंगे तो आप इसके ऊपर रीड एंड राइट नहीं कर पाएंगे राइट सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको इसे टेस्ट मोड पे करना है सी अभी ये क्या कह रहा है अलाउ रीड राइट फॉल्स राइट फॉल्स है अगर मैं इसको टेस्ट मोड में स्टार्ट करता हूँ तो ये मुझे टेम्परेरी परमिशन दे रहा है इस डेटाबेस में राइट और रीड करने का सो so, अभी के लिए हम इसको टेस्ट मोड में स्टार्ट करेंगे एंड लेट से नेक्स्ट ओके अब ये मुझे पूछ रहा है कि जो आपने डेटाबेस बनाना है उसकी लोकेशन क्या है राइट right? और ये लोकेशन अगर आपने एक बार सेट कर दिया आप इसको चेंज नहीं कर सकते दैट हट दिस वार्निंग सेज सो लेट्स इनेबल इट जो भी बाई डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये हमें दे रहा है तो अब मेरा क्लाउड फायर स्टोर बन रहा है सो आज यू कैन सी हमारा क्लाउड फायर स्टोर बन चुका है राइट सो दिस इज़ आर एम टी डेटा बेस ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या है जैसा मैंने आपको अभी बताया था सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कलेक्शंस राइट वी मेक कलेक्शंस फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिटीज़ एक कलेक्शन है यूज़र्स एक कलेक्शन है राइट right? तो सबसे पहले एक कलेक्शन बनाने का ट्राई करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक कलेक्शन बनाता हूँ लेट्स से हमारे कलेक्शन का नेम है यूज़र्स मुझे इसमें यूज़र्स रखने हैं सो वॉट आई नेम आई कलेक्शन आई से यूजर्स ओके एंड वेन आई क्लिक नेक्स्ट तो अब ये मुझे बोल रहा है कि आपका यूज़र्स बन चुका है आपका यूज़र्स कलेक्शन बन चुका है तो अब हम इसके अंदर कुछ डेटा रखते हैं राइट right? तो डेटा रखने के लिए सबसे डेटा मतलब डॉक्यूमेंट रखेंगे हम इस यूज़र्स के अंदर एक डॉक्यूमेंट रखते हैं तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट का एक आईडी होता है आप ये आईडी कुछ भी दे सकते हो और इसमें हमारे पास एक बटन है ऑटो आईडी का तो ये ऑटोमेटिकली कुछ भी एक आईडी इंसर्ट कर देता है राइट अब हम इसमें डेटा रखेंगे हर यूज़र का लेट से आई हैव अ नेम जिसकी टाइप क्या होगा स्ट्रिंग सो लेट से आई एल से पीयूष ओके उसके बाद हम और क्या रख सकते हैं लेट से मैं एज रखना चाहता हूँ एल से एज ओके एज क्या होता है एक नंबर सो आई एल से ट्वेंटी वन एंड मे बी आई थिंक आई हैव समथिंग एल्स सो मे बी आई हैव uh, और हमारे पास क्या ऑप्शन है हमारे पास मैप है बोलियन है राइट सो आई कैन से इज मेल राइट इज मेल सो आई कैन सेट इट टू ट्रू कि मेरा जो जेंडर है वो मेल है एंड वेन आई क्लिक ऑन सेफ सो लेट सी वॉट हैपन्स सो एज़ यू कैन सी हमारे पास क्या हुआ पहले कलेक्शन बना यूज़र्स का जिसके अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और ये उस डॉक्यूमेंट की आई डी है राइट right? ये ऑटो जेनरेट की थी हमने और इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास कुछ डेटा है डेटा क्या है हमारे पास एज है ट्वेंटी वन हमारे पास नेम है पीयूष एंड हमारे पास एक और वैल्यू है राइट इज मेल ट्रू अब हम क्या कर सकते हैं इसमें और डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं लेट्स से हम एक और डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं यूजर्स के अंदर ही इसको भी हम ऑटो आई कर देते हैं लेट्स से हमारे पास एक नेम है अगेन जॉन राइट एंड हम उसकी भी एज ले, ले लेते हैं एज अ नंबर राइट एंड उसकी हम एज ले, ले लेते हैं लेट्स से ट्वेंटी फाइव एंड ऑब्वियसली एक और हमारे पास फील्ड है इज इस मेल इसको हम करेंगे बोलियन लेट्स से ट्रू सो so, इसको भी हम सेव कर लेते हैं तो क्या हुआ हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट बन गया ऑटो आईडी हमने दे दी एंड इसके अंदर भी हमारे पास कुछ डेटा है एंड तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कलेक्शंस उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास फिर से क्या है हम एक कलेक्शन बना सकते हैं राइट यूज़र्स के अंदर हम फिर से कलेक्शन बना सकते हैं लेट्स यूजर्स के अंदर मुझे कुछ कलेक्शन बनाना है सो आई कैन से स्टार्ट कलेक्शन इस कलेक्शन का हम फिर से कुछ भी नेम दे सकते हैं राइट लेट्स से मैं चाहता हूँ मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो यूज़र है ये कुछ ओन करता है राइट फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से कि ये जो यूज़र है uh, इसके अंदर एक कलेक्शन है इसके परचेजेस की ई e कॉमर्स में जैसे हम कुछ परचेज करते हैं सो आई कैन से परचेजेस ओके परचेजेस सो मैंने क्या किया परचेजेस बनाया सी पहले हमारे पास यूजर्स है इस यूजर के अंदर मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ परचेजेस इसको भी हम ऑटो आई दे देते हैं लेट से इसके अंदर क्या होगा आइटम लाइट परचेजेस है सो लेट से एक परचेज़ किया इसने कुछ कि नेम आ, उसका नेम क्या है लेट से ही इसने एक मैकबुक परचेज़ किया एंड उसका एक प्राइस होगा एंड नंबर में लेट से हम उसका प्राइस दे देते हैं वन लाख एंड आई क्लिक ऑन सेव तो अभी मुझे क्या पता लग रहा है इफ़ आई गो बैक टू होम यहाँ पे हम होम दबाएंगे मेरे पास एक कलेक्शन है यूज़र्स यूजर्स के अंडर आई हैव टू यूजर्स तो हम फर्स्ट वाले यूज़र पर जाते हैं इस यूज़र का नाम क्या है पीयूष और इसकी एज क्या है ट्वेंटी इसमें मेरे पास एक कलेक्शन है परचेजेस अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आई कैन सी कि इस यूजर ने अभी तक एक चीज़ परचेज की है करेक्ट एंड वेन आई क्लिक ऑन दिस आई सी ओके पीयूष ने मार्कबुक परचेज किया सो दैट्स हाउ यू कीप डेटा इन योर फायर स्टोर कलेक्शन डॉक्यूमेंट हर डॉक्यूमेंट का डेटा अगेन कलेक्शन उसके अंदर फिर एक डॉक्यूमेंट uh, डॉक्यूमेंट का डेटा अगेन कलेक्शन सो दैट्स हाउ यू स्टोर डेटा इन फायर स्टोर अब हम देखते हैं कि हम अपने रिएक्ट ऐप से इसके अंदर डेटा कैसे रख सकते हैं एक बड़े मज़ेदार चीज़ हुई जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था ना तो रिकॉर्ड करते करते फायर बेस का थोड़ा सा यू आई अपडेट हो गया सो एज यू कैन सी यार पिछली वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट यू आई होगा एंड इस वीडियो में थोड़े से आइकन्स और थोड़ा सा साइड बार चेंज हो गए सो so, देखते हैं एंड ठीक है तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम अपने रिएक्ट ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे फायर स्टोर के साथ और कैसे हम अपने रिएक्ट ऐप के थ्रू इस फायर स्टोर में डेटा रख सकते हैं और कैसे हम इसमें से डेटा को क्वेरी कर सकते हैं ओके okay? तो so, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है सबसे पहले हमारे पास है गेट फायर स्टोर का फंक्शन जो हमें एक डेटाबेस का इंस्टेंस देगा जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं हमने ऑथ के टाइम पे गेट ऑथ को कॉल किया था हमने रियल टाइम के टाइम पे गेट डेटाबेस को कॉल किया था तो सिमिलरली हमारे पास ये एक फंक्शन है गेट फायर स्टोर इससे हम अपने डेटाबेस का एक इंस्टेंस बना सकते हैं ओके तो इसको साथ साथ इंप्लीमेंट करते हैं मैंने क्या किया एक खाली रिएक्ट ऐप बनाया है ओके जिसमें हमारे पास बस एक फायर बेस फाइल है नथिंग एल्स तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा हम इम्पोर्ट करेंगे आई इम्पोर्ट फ्राम फायरबेस स्लैश फायर स्टोर ओके आपको इस टाइम कहाँ से इम्पोर्ट करना है फायर स्टोर से और इसमें आपके पास एक मेथड है गेट फायर स्टोर ओके तो एक इंस्टेंस बनाते हैं हम फायर स्टोर का सोएल से फायर स्टोर ओके तो ये हमारे फायर स्टोर का इंस्टेंस होगा इसको मैं क्या कहूँगा गेट फायर स्टोर और इसमें हम अपना ऐप पास कर सकते हैं तो हमारा ऐप कहाँ से आएगा सोइल so से इम्पोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश इम्पोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश हमारी फायरबेस फाइल से तो इसमें हम अपने आप को इम्पोर्ट कर लेंगे राइट तो इस आप को यहां पर डाल देंगे तो इससे क्या हुआ अभी तक हमने अपने फायर का एक इंस्टेंस बना लिया इस इंस्टेंस को यूज करके हम अपने फायर में डेटा को रख सकते हैं और हम अपने फायर से डेटा को क्वेरी भी करेंगे ओके तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने डेटा को ऐड कैसे कर सकते हैं राइट तो हमारे पास दो मेथड्स हैं कलेक्शन एट डॉक ओके कलेक्शन बेसिकली कलेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए कि मुझे किस कलेक्शन में डेटा को रखना है राइट right? आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर है ना कि फायर स्टोर अपना डेटा रखता कैसे है कलेक्शन देन डॉक्यूमेंट देन कलेक्शन देन डॉक्यूमेंट तो हमने सबसे पहले इसमें से कलेक्शन इम्पोर्ट किया जिससे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे किस कलेक्शन में डेटा को रखना है और उसके बाद हमारे पास एक मेथड है एट डॉक डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए राइट right? इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले हम दो मेथड्स को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे वन वॉज कलेक्शन एंड अदर वन वॉज ऐट डॉक करेक्ट कलेक्शन एट डॉक तो इसके अंदर देखते हैं हाउ वी विल डू मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ ओके अल से राइट डेटा बिकॉज ये फंक्शन क्या करेगा डेटा को राइट करेगा करेक्ट इसके अंदर मैं क्या करूँगा सी कैसे करेंगे आई अल से एट डॉक बिकॉज मुझे डॉक्यूमेंट ऐड करना है ठीक है फर्स्ट पैरामीटर में हम एक रेफरेंस देंगे हमारे कलेक्शन का सो वॉट अल से आई अल से कलेक्शन मैंने अपने कलेक्शन मेथड को कॉल किया जो हमें यहाँ पे इम्पोर्ट किया है कलेक्शन मेथड में फर्स्ट आपके डेटाबेस का इंस्टेंस आता है फर्स्ट पैरामीटर इज द इंस्टेंस ऑफ ए डेटाबेस तो मेरे इंस्टेंस का नाम के फायर स्टोर जो हमने यहाँ पर इंस्टेंस बनाया एंड सेकेंड पैरामीटर में हम पाथ स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे कौन से पाथ पर अपने डेटा को रखना है पाथ मतलब कलेक्शन का नेम जैसे अभी हमने एक पाथ बनाया हुआ है यूजर्स कलेक्शन तो ऐसे हम अपने कलेक्शन बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या करेंगे एक सिटीज़ का कलेक्शन बना लेते हैं मैंने एक कलेक्शन बनाया सिटीज़ का हमारे फायर स्टोर के अंदर ओके okay? एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आठ डॉक के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में मैं एक्चुअल डेटा इसको दे दूंगा तो लेट से हमारे सिटी का एक नेम होगा ठीक है हमारी एक सिटी का नेम होगा हमारी सिटी का एक पिन कोड होगा तो मैं वन टू थ्री फोर इसको कर देता हूँ एंड लेट से हमारी सिटी में क्या होगा एक लाटीट्यूड होगा उसकी लोकेशन के लिए सो वन टू थ्री एंड उसका लॉन्गिट्यूड होगा लेट्स फोर फाइव सिक्स ओके तो इस फंक्शन की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ इस डेटा को नेम पिन कोड लाट लॉन्ग को अपने फायर स्टोर में राइट कर सकता हूँ कहाँ पे सिटीज़ कलेक्शन के अंडर ठीक है तो इसको देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है सो आई एल डो इट ए सिंक ठीक है इसको ए सिंक कर लेते हैं सो आई एल सो कॉन्स्ट रिज़ल्ट एक टू अवेट एंड हम क्या करेंगे इस रिज़ल्ट कोंसल डॉट लॉक कर देते हैं तो इसको हम कहेंगे रिजल्ट एंड रिज़ल्ट ठीक है तो इस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं तो मैं क्या करूँगा एक बटन बनाऊँगा आई एल से पुट डेटा डेटा को पुट करने के लिए एंड हम क्या करेंगे ऑन क्लिक पे ऑन क्लिक इस पर हम अपने राइट फंग राइट डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे ठीक है तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक कलेक्शन है यूज़र्स मेरे पास सिटीज़ नाम की कोई कलेक्शन नहीं है ये ऑन द फ्लाई उसको अपने बना देगा ठीक है तो मैं क्लिक करता हूँ पुट पहले इंस्पेक्टर uh, को ओपन करते हैं आई वॉन्ट टू सी कि वो क्या रिटर्न करता है तो अभी मेरे पास कॉन्सल्ट में कुछ नहीं है तो हम करते हैं पुट डेटा एंड हमारे पास एक रिज़ल्ट आया राइट इस रिज़ल्ट को देखते हैं रिजल्ट में एक आई है करेक्ट ये हमारे डॉक्यूमेंट की आई है जो जनरेट हुई है ऑटोमेटिकली और उसके बाद हमारे पास पेरेंट है हमारे पास पाथ है कि वो सिटीज़ के अंडर जनरेट हुआ अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसे तो ऐसे रिफ्रेश तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सो एज यू कैन सी हमारे पास सिटीज का एक कलेक्शन ऑटोमेटिकली बन गया है ठीक है सिटीज़ के अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है अभी जिसकी आई क्या है वाई सेम आई जो हमें यहाँ पर मिली है वाई और इसके अंडर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट uh, है जिसमें हमारे पास कुछ डेटा है नेम है लाट लॉन्ग एंड पिन कोड तो हमारा ये जो डेटा है ये सक्सेसफुली हमने ऐड कर लिया है हमारे फायर शो डेटाबेस के अंडर सो so, ये तो हुआ सिंपली हमने बस एक डॉक्यूमेंट को ऐड कर दिया ऐसे ही हम और डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं वो इसके अंडर ऐड होते जाएंगे राइट वाट इफ़ अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक और कलेक्शन बनानी है गॉट इट मुझे क्या करना है मैंने एक सिटीज़ बनाया सिटीज़ में मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे अब मुझे इस सिटी के अंदर जिस सिटी का हमारा नाम क्या है डेली दिल्ली के अंदर लेट से मुझे एक और बनाना है जिसमें मुझे सेक्टर्स स्पेसिफाई करने हैं ओके लेट से मुझे सेक्टर्स या कुछ प्लेस होल्डर प्लेसेज को स्पेसिफाई करना है तो मुझे इसके अंदर एक एक और कलेक्शन बनानी है प्लेसेज तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो मैं क्या करूँगा हम एक और फंक्शन बना लेते हैं ओके मेक सब कलेक्शन ठीक है एक फंक्शन का नाम मेक सब कलेक्शन सो so, उस चीज़ को करने के लिए बहुत सिंपल है सेम ही है ऑलमोस्ट तो हम क्या करेंगे बेसिकली हमें एक डॉक्यूमेंट ऐड करना है राइट सो आई एल से ऐड डॉक ठीक है डॉक्यूमेंट ऐड करना है इसके अंदर क्या जाता है कलेक्शन कलेक्शन में फर्स्ट पैरामीटर हमारा फायर स्टोर का इंस्टेंस जैसा कि हमने यहाँ पर दिया था उसके बाद सी वॉट आई एल बी डूइंग हेयर आई एल से सिटीज़ ठीक है ये क्या हुआ हमारा सिटीज़ हमारी ये वाली कलेक्शन इसके अंदर आई वॉन्ट टू एड इन दिस ठीक है इसको हम कॉपी कर लेंगे मुझे इस सिटी के अंदर ऐड करना है तो हम इसकी आईडी डी यहाँ पर पेज कर देंगे एंड वैक्सपेस वैक्सपेस ठीक है तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ पहले हमने सिर्फ सिटीज़ दिया था अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ सिटीज़ सिटीज़ के अंदर इस वाले सिटी के अंडर मुझे एक और कलेक्शन बनानी है लेट से उस कलेक्शन का नाम क्या होगा प्लेसेस ठीक है तो मैंने क्या किया सिटीज़ लिया सिटीज़ के अंडर मैंने एक आईडी ली जो मेरी सिटी बनी हुई है और उसके अंडर मैंने प्लेसेस को कलेक्शन बनाने की कलेक्शंस uh, बनाने की ट्राई कर रहा हूँ और इसके अंदर हम अपना डेटा रखते हैं सो लेट्स से हम क्या रख रहे हैं प्लेसेस में हर प्लेस का कुछ नेम होगा लेट से दिस इज़ अ प्लेस एंड इस प्लेस की कोई डिस्क्रिप्शन होगी सो ऑसम डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स से कुछ डेट होगी सो आई कैन से डेट डॉट नाउ ठीक है तो इसको टेस्ट करते हैं तो मैं क्या करूँगा एक और बनाऊँगा पुट सब डेटा सब डॉक्यूमेंट बनाना है और मैं उसमें ये वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा राइट तो अब देखते हैं क्या होगा हमारे पास दो फंक्शंस हैं इसको एक बार आ, आ, रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमारे पास दो है पुट डेटा डेटा को पुट करने के लिए पुट सब डेटा पे क्लिक करेंगे तो मैंने इस पर क्लिक किया सो लेट्स सी वॉट हैपन्स हमें रिफ्रेश करना होगा यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ सो so, सबसे पहले मेरे पास सिटीज़ है सिटीज़ के अंदर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है ये वाला अब आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर एक कलेक्शन बन चुकी है प्लेसेस ये प्लेसेस कहाँ से बनी बिकॉज हमने क्या किया क् था सिटी सिटीज़ सिटीज़ यहाँ से उसके अंदर ये वाली आई डी देन उसके अंदर प्लेसेज अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होगा करेक्ट पहले एक कलेक्शन कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर फिर से एक कलेक्शन उस कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट जिसकी एक आईडी है एंड लेट्स सी इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी वो प्लेस आ चुकी है राइट right? ऐसे ही मैं मल्टीपल प्लेसेस भी ऐड कर सकता हूँ सो so, मैं यहाँ पे क्या करूँगा दिस इज अ प्लेस टू कर दूंगा ऐसे सिर्फ एंड दोबारा से ऐसे पुट सब डेटा तो क्या हुआ यहाँ पर एक और प्लेस बन गई है जिसका नाम क्या दिस इज अ प्लेस टू सो दैट्स हाउ यू कैन पुट अ नॉर्मल डेटा एंड अ डेटा इनसाइड अ लाइक डॉक्यूमेंट कलेक्शन तो सब डेटा भी हम ऐसे डाल सकते हैं हमारे फायर स्टोर में बहुत ईजी था राइट सो एट डॉक फंक्शन को यूज़ करके अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में अगर मैं इसमें आता हूँ रीड डेटा में राइट एंड इसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे uh, अभी हमने डेटा को राइट तो कर लिया अब मुझे अपने डेटा को रीड भी करना है करेक्ट तो रीड कैसे कर सकते हैं uh, अगर हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं राइट right? तो जी सबसे पहले हम देखते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए जिसका मुझे आई पता है तो वो हम कैसे कर वो हम कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट डॉक नेम से स्पेसिफाई हो रहा है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे गेट डॉक और हमारे पास एक और फंक्शन होता है डॉक उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देने के लिए अभी हमने देखो क्या किया था हमने कलेक्शन मेथड का यूज़ किया था कलेक्शन का रेफरेंस देने के लिए अब हमें एक डॉक्यूमेंट लेके आना है तो हम क्या करेंगे एक तो हम डॉक को यूज़ करेंगे डॉक का रेफरेंस लेने के लिए और एक हम फंक्शन को इम्पोर्ट करेंगे गेट डॉक टू गेट दी डॉक्यूमेंट ठीक है सिंगल डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं आई एल से गेट डॉक्यूमेंट ओके इसमें देखते हैं कैसे होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमारे डॉक्यूमेंट का एक रेफरेंस बनाना है जिस डॉक्यूमेंट को मुझे लेकर आना है सो वॉट आई एल से आई एल से रेफरेंस मेरा एक रेफरेंस है राइट तो डॉक डॉक के फर्स्ट पैरामीटर में हमारा फायर स्टोर का रेफरेंस आएगा जो हमने यहाँ पर बनाया था एंड सेकेंड हमारा वो पाथ जाएगा कि कहाँ से लेकर आना है सो लेट से Uh, मुझे सिटीज़ में से लेकर आना है हम यहाँ पे होम दबाते हैं मुझे सिटीज़ में से लेकर आना है सॉ एज सिटीज़ ओके सिटीज़ और किस सिटी का डेटा लेकर आना है अभी हमारे पास एक ही सिटी है तो इसकी आई मैं वहाँ पर स्पेसिफाई कर दूंगा ठीक है so, सो इससे क्या हुआ मेरे एक रेफरेंस क्रिएट हो चुका है इस सिटी के अंदर इस डॉक्यूमेंट पे तो मेरा एक रेफरेंस बन गया राइट right? उसके बाद हमें क्या करना है हमें एक फंक्शन को कॉल करना है गेट डॉक राइट जो हमने अभी अभी इंपोर्ट किया था गेट डॉक और उसके अंदर हमें रेफरेंस को पास कर देना है सो वॉट आई से अवेट ओके इसको हम ए सिंकर्स कर लेते हैं ए सिंक और इसमें हम क्या करेंगे गेट डॉक हमें सिंगल डॉक्यूमेंट चाहिए कौन सा डॉक चाहिए इसमें हम अपना रेफरेंस पास कर देंगे राइट right? और ये हमें बदले में क्या देगा एक डॉक्यूमेंट का स्नैपशॉट देगा ओके सॉ एल से कॉन्स स्नैप तो ये हमें स्नैपशॉट मिल चुका है इसको कौनसल डॉट लॉक करके देखते हैं हमें क्या मिल रहा है सो सॉइल से स्नैप डॉट डेटा ठीक है तो उसने आप डॉट डेटा को मैं क्या करूँ कौंसल डॉट लॉक करके देखाऊँ तो यहाँ पर एक और बटन बना लेते हैं हम इसको हम नाम क्या देंगे गेट डॉक्यूमेंट एंड इसके क्लिक पे हम क्या करने वाले हैं गेट डॉक्यूमेंट को क्लिक करने वाले हैं सो लेट्स सी कि क्या हमारा डॉक्यूमेंट सही से आ रहा है लेट मी हिट अ रिफ्रेशर तो सबसे पहले हम करेंगे गेट डॉक एंड हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है तो हमारे डॉक्यूमेंट में क्या है हमारे पास लैटीट्यूड है लॉन्गिट्यूड है नेम है और पिन कोड है अगर हम अपने डेटा को यहाँ पर चेंज कर देते हैं लेट से मैं पिन कोड को वन टू थ्री फोर ना करके सेवन एट नाइन जीरो कर देता हूँ आई अपडेट दिस डॉक्यूमेंट दोबारा से गेट डॉक्यूमेंट करते हैं तो क्या मेरे पास अपडेटेड आ रहा है बिल्कुल आ रहा है सो so, ये तो थी बिल्कुल एक सिंपल क्वेरी टू गेट अ सिंगल डॉक्यूमेंट ये हम कब यूज़ करते हैं जब हमें हमारी आई पता होती है कि हमारी आई क्या है राइट right? अब हम देखते हैं कि अगर हमें अपने डेटा को क्वेरी करना है लाइक मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका लैटिट्यूड ये है तो मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ही हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसको हम कहते हैं क्वेरी राइट सो इसमें अगर हम जाते हैं परफॉर्म सिंपल एंड कंपाउंड क्वेरीज ओके इस टाइप के अंदर लेट्स स्क्रॉल डाउन और बिट बिठहर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे हम क्वेरी कर सकते हैं अपने डेटा को इस एग्जाम्पल को समझते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या किया एक कलेक्शन का रेफरेंस बनाया राइट सिटीज़ कलेक्शन का एक रेफरेंस क्रिएट किया उसके बाद हम क्या कर रहे हैं क्वेरी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं क्वेरी में हमने एक तो अपने सिटी सिटी का रेफरेंस पास कर दिया और हमने इसको एक कंडीशन दी हमारे पास आईडी तो है नहीं ना डॉक्यूमेंट की हमें तो कंडीशन के बेसिस पर अपना डेटा लेके आना है तो इन्होंने कहा का इन्होंने कहा वेयर स्टेट इक्वल्स टू सी है तो हमारे पास वो डेटा आ जाएगा और उसके बाद हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कैसे हम करेंगे गेट डॉक्स पहले हमारे पास था गेट डॉक अब ये गेट डॉक्स हो चुका है बिकॉज ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करेगा ठीक है तो उसके अंदर हम अपनी क्वेरी को पास कर देंगे एंड डन इस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो हमें कौन कौन सा फंक्शन चाहिए हमें एक तो चाहिए क्वेरी राइट क्वेरी बनाने के लिए और एक हमें चाहिए वेयर जिसमें हम अपनी कंडीशन को बना सकते हैं राइट तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं गेट डॉक गेट डॉक्यूमेंट्स बाय क्वेरी बिकॉज ये हमें क्वेरी करके ला कर देगा सो तो ये भी क्या होगा एक एस इन फंक्शन होगा ठीक है तो मुझे क्या करना है क्वेरी हमेशा कलेक्शन पे होती है राइट बिकॉज डॉक्यूमेंट तो मुझे पता नहीं ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक कलेक्शन का रेफरेंस बनाते हैं सो एल से कलेक्शन रेफरेंस सो एल से कलेक्शन कौन सी कलेक्शन का रेफरेंस बनाएँ uh, हम एक काम करते हैं यूजर्स का एक रेफरेंस बनाते हैं ठीक है सो so मैं इसको यूजर्स को कॉपी कर लेता हूँ एंड कलेक्शन में फर्स्ट पैरामीटर फायर स्टोर आता है एंड सेकेंड कलेक्शन इज़ द नेम ऑफ आर कलेक्शन तो मैंने क्या किया एक यूजर्स कलेक्शन का एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया राइट right? अब हम क्या करेंगे क्वेरी बनाते हैं सो एल से क्वेरी क्वेरी मुझे क्या क्वेरी बनानी है क्वरी uh, फंक्शन को कॉल करते हैं एंड इसको क्यू कर देते हैं बिकॉज क्वेरी क्वेरी आपस में मिसमैच हो जाएगा तो क्वेरी में क्या होता है सबसे पहले हम अपनी कलेक्शन का रेफरेंस देते हैं राइट right? तो मुझे क्या करना है कलेक्शन रेफरेंस अब मेरी क्वेरी को पता लग चुका है कि ठीक है मुझे ना यूज़र्स में क्वेरी करना है अब हम यहाँ पर कंडीशन देंगे राइट मेरी कंडीशन क्या है मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ना सिर्फ मेल बॉयज़ को लिस्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं मुझे पता है कि मेरे पास एक फील्ड है इज़ मेल की सो आई कॉपी दिस फील्ड ओके इज़ मेल को मैं क्या कर लूँगा कॉपी कर लूँगा आई एल से वेयर इज मेल ओके क्या है इक्वल्स टू इक्वल्स टू मतलब वो इक्वल टू इक्वल टू है किसके ट्रू के ये क्वेरी क्या कर रही है इस क्वेरी के पास एक कलेक्शन का रेफरेंस है तो कलेक्शन रेफरेंस कहाँ रेफर कर रहा है यूजर्स को और उसमें मैंने कंडीशन दी कि जो इज मेल वाली फील्ड है वो ट्रू होनी चाहिए करेक्ट नाउ सी वॉट हैपन्स एंड ये क्वरी दो बार क्यू इम्पोर्ट हो गया है लेट्स रिमूव इट वन टाइम तो नाउ वट आई विल डू हम इस क्वेरी को जो हमारी क्यूब क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होगा गेट डॉक्स नॉट डॉक गेट डॉक्स ओके तो हम क्या करेंगे हम बोलेंगे अवेट गेट डॉक्स और इसके अंदर हम अपनी क्वेरी को पास कर देंगे राइट एंड इन रिटर्न ये हमें क्या देगा एक स्नैपशॉट देगा सो एल से स्नैपशॉट तो हमारे डेटा का यहाँ पे एक स्नैपशॉट आ जाएगा ठीक है uh, जैसा कि हम अपने एग्जाम्पल में देख सकते हैं तो हमारे पास एक स्नैपशॉट आ जाएगा अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हम इसको देख सकते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आया स्वल से स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच ठीक है मैं हर एक पे लूप करूंगा और जो भी हमारे पास डेटा आया हम बस उसको सिंपली क्या कहेंगे कॉन्सल डॉट लॉक डेटा डॉट डेटा ठीक है तो देखते क्या आता है तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं गेट डॉक्यूमेंट्स बाय क्वेरी और इसके अंदर हम अपना ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे ठीक है सो लेट सी वॉट हैपन्स तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो मेरे पास एक बटन है गेट डॉक्यूमेंट्स बाय क्वेरी क्लिक करते हैं इस पर तो मेरे पास क्या सिर्फ आया सिर्फ जॉन आया सिर्फ जॉन आया बिकॉज उसका इज मेल क्या था ट्रू था एंड हु वॉज सेकेंड इफ आई कैंसल दिस तो सेकेंड जॉन हमारे पास आ चुका है ये जेन थी इसकी इज इस मेल फॉल तो ये हमारे पास नहीं आया क्या होता अगर ये भी ट्रू होता लेट इसको भी हम ट्रू कर देते हैं एंड दोबारा से गेट डॉक्यूमेंट करते हैं तो अब हमारे पास दो रिजल्ट आए वन जॉन एंड सेकेंड वन कौन जेन बिकॉज हमने इस मेल को ट्रू कर दिया सो so, हम तो हमारे पास दो तरीके हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके आने का अगर आपको एग्जैक्ट आईडी पता है सो यू हैव टू यूज दिस फंक्शन गेट डॉक और अगर आपको कोई क्वेरी करना है आपको किसी कंडीशन के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आना है सो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग इट तो हमने कि क्या किया कलेक्शन का रेफरेंस बनाया क्वेरी बनाया क्वेरी को गेट डॉक्स में हमने कॉल कर दिया और हमारे पास डेटा आ गया राइट सो so हमने सीख चुके हैं कि हम अपने डेटा को कैसे हम रख सकते हैं डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट के अंदर कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं हम कैसे किसी डेटा को क्वेरी करके लेके आ सकते हैं राइट एंड लेट्स सी हम अपने डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं राइट right? अब मुझे किसी डॉक्यूमेंट को अगर अपडेट करना है तो सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन होता है अपडेट डॉक्स ओके अपडेट डॉक ओके तो इससे क्या होगा हम अपने डॉक को अपडेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं सो so कैसे कर सकते हैं हम तो एक फंक्शन बना लेते हैं कॉस्ट अपडेट ओके तो अपडेट में क्या करना होता है हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ही है डॉक्यूमेंट का डौकु? थू बिकॉज अपडेट हम डॉक्यूमेंट को कर रहे हैं सो एल से कॉन्स्ट डॉक रेफ हम डॉक्यूमेंट का एक रेफरेंस बना रहे हैं सो एल्स ए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में फर्स्ट में क्या जाता है हमारा फायर स्टोर एंड सेकेंड द पाथ ऑफ दैट डॉक्यूमेंट तो हमारा पाथ क्या होगा लेट से मुझे सिटी को अपडेट करना है सो एल सिटीज राइट सिटीज़ और सिटीज़ के अंदर हमारे पास क्या है इस आई को मुझे अपडेट करना है गॉट इट तो मेरे पास क्या हो चुका है एक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस बन चुका है बिल्कुल सही से बस अब हम क्या करेंगे हम अपने अपडेट डॉक को कॉल करेंगे अपडेट डॉक इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दे देंगे जो हमने अभी बनाया एंड देन हम अपना अपडेट का डेटा देंगे राइट कि हमें किस डेटा को अपडेट करना है तो लेट से मुझे इसका जो नेम है ना वो डेली नहीं रखना है uh, मुझे समथिंग एल्स करना है सॉ एल से नेम तो मैं पे एक नेम फील्ड दूंगा नेम एंड इसको हम दे देंगे न्यू डेली ठीक है अभी हमारे डेटाबेस में क्या है डेली हमने इसको क्या कर दिया न्यू डेली कर दिया सो वॉट आई डू आई एल अवेट दिट ठीक है एंड इसको कॉल करके देखते हैं क्या होता है सो आई एल से अपडेट सो एक और हमने बटन बनाया एंड मैं इसको बोलूँगा अपडेट और अपडेट फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे राइट सो so हम इसको रिफ्रेश करते हैं वी आर गेटिंग सम एरर हेयर अवेट यूज़ करने के लिए हमें इस फंक्शन को ए सिंह बनाना होगा माई बैड रिफ्रेश तो अभी हमारा देखो हमारा नेम क्या है दिल्ली है तो इसको क्लिक करते हैं अपडेट पे वापस आते हैं तो अब ये क्या हुआ न्यू डेली हो गया सो दैट्स हाउ यू अपडेट द डॉक्यूमेंट एन सर भी ऐसे एक डिलीट का फंक्शन होता है दैट्स हाउ यू डिलीट द डेटा सो हमें बेसिकली समझ आ चुका है फायर को कैसे यूज़ कर सकते हैं फायर अपना डेटा किस तरह से रखता है डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कलेक्शन क्या होती है हम कैसे अपने डेटा को डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं कैसे हम कलेक्शंस बना सकते हैं कैसे हम सिंगल डॉक्यूमेंट को फेच कर सकते हैं किस तरह से हम उसके ऊपर क्वेरी भी कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली हम अपने डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं सो दिस वॉज आ वीडियो ऑन क्लाउड फायर स्टोर आई होप आपको बहुत बेसिक लेवल पे एक फायर स्टोर समझ आ गया होगा कि फायर स्टोर क्या है और कैसे वो अपने डेटा को रखता है वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगा सो यू कैन टेल मी इन दी कॉमेंट्स आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर कॉमेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय टेक केयर